फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग कहाँ जाने वाले? गोकुल पार्क। तो गोकुल पार्क जो कि हम लोग के घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर होगा। तो बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि इसे जो है BCCL वालों ने बनाया है। वो बहुत ही मतलब वो एकदम कोलियारी पे है, जहाँ पे अंदर पूरा आग लगा हुआ है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा पार्क बनाया गया है, वेस्ट जगह को पार्क बनाया गया है। तो जैसे कि मतलब जो धनबाद के नहीं है उनको बता देती हूँ। तो धनबाद जैसे कि कोयला के लिए फेमस है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। तो आज मैं जो आपको दिखाऊंगी, कोलियारी भी दिखाऊंगी, तो ब्लॉग पे बने रहिए। क्या और हम लोग क्या करने वाले हैं? वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो शूट कराएंगे। हम लोग बहुत कोई जा रहे हैं और आप सबको पार्क दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय। नहीं चलिए अभी। वहाँ पे आप गेट देख सकते हैं, एंट्री गेट, वहाँ पे लिखा हुआ है गोकुल पार्क। तो हम लोग जो है गोकुल पार्क एंट्री गेट से एंट्री कर चुके हैं। तो ये पूरा रास्ता जो है BCCL के अंडर में आता है, सारा जो है गवर्नमेंट का है, BCCL का। तो ये देख सकते हैं, उसके पहाड़ के ऊपर हमें जाना है। तो वहाँ आप देख सकते हैं सामने धुआं निकल रहा है, अंदर जो है पूरा कोयला है, उससे से धुआं निकल रहा है। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं। तो रास्ता जो है कच्चा रास्ता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा जो है हाईवा ट्रक वगैरह चलते हैं, इसीलिए ऐसे रोड है। तो जो आएंगे थोड़ा संभल के ध्यान से आए। तो हम लोग जो है बहुत ऊपर आ गए हैं, देखिए ऊपर से देखने से कैसा व्यू आता है नीचे। फाइनली हम लोग गोकुल पार्क पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ बोर्ड। फाइनली हम लोग जो है गोकुल पार्क पहुंच चुके हैं, देखिए हम लोग सब कोई आ गए हैं। तो एकदम पहाड़ में हम लोग, इधर टॉप में हम लोग। तो चलिए दिखाते हैं आपको। बहुत ही अच्छा जगह है फोटो शूट कराने के लिए, बहुत अच्छा है। थक गए हम, इतना ऊपर है ना। उधर देखिए डंपिंग हो रहा है, जो बहुत ही ऊपर आ गए। आपको दिखाते हैं हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। इधर पूरा एकदम ग्रीन 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 है, आपको चारों तरफ पेड़ पौधा ही नजर आएगा। इस तरह बैठने का बनाया गया है। चलिए दिखाते हैं, डर भी लग रहा है। देखिए लग रहा है ना मनाली वगैरह आ गए, क्योंकि बैक करके देखिए कितना अच्छा व्यू है। मुझे जो है चारों तरफ ग्रीन होगा, देखिए पूरा ग्रीन है, बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया गया है। इधर जो कोलियारी है लेकिन उसको ग्रीन बनाया गया है। लोगों को कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होता ही है, पर यहाँ पे इतना पेड़ पौधा इसीलिए लगाया गया है ताकि जो है हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसलिए पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा भी जगह हो लेकिन पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखते से पेड़ पौधा लगा हुआ है, उधर जो है डंपिंग करके वो पहाड़ टाइप का बनाया गया है। जिधर देखिएगा आपको पहाड़,
ग्रीन पेड़ पौधा ही नजर आएगा। उधर पार्क बना हुआ है, उधर भी अभी जाएंगे आपको दिखाएंगे। एक पॉन्ड भी है, बहुत ही अच्छा व्यू है। वेदर भी बहुत ही अच्छा है, ना धूप है छांव है और हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। बंबू का जो है बहुत ही अच्छा बैठने के लिए बनाया गया है, इस तरह से चबूतरे जैसा बनाया गया है। इधर बैठने का देखिए, सारा जो है नेचुरल ही है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सारा जो है बांस का बनाया गया है। इधर बांस का पेड़ भी है देखिए, और देखिए इधर बाइक है। यहाँ पर जो है जो बीसीसीएल में जॉब करते हैं तो उनका गाड़ी है, रखा हुआ है, टिफिन भी रखा हुआ है, वो लोग उधर काम कर रहे हैं तो अच्छा है, उन लोग का काम भी हो जाता है, पार्क भी घूमना हो जाता है। ये देखिए बांस का पेड़ है और ये अमरूद का है, देखिए अमरूद का यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है। बहुत ही अच्छा प्लेस है, देखिए सारा अमरूद का पेड़ है। अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे फोटो क्लिक करवाने, देखिए यहाँ सब कोई है। हम लोग नीचे नीचे में क्लिक करवाएंगे, उधर व्यू ज्यादा अच्छा है। तो ये जो है नीचे साइड है और अब हम लोग आ गए नीचे, नीचे मतलब उतना नीचे नहीं, वहां से नीचे। এটা কি গাছ লাগে বাবলা কি কই বাবলা কাটা কোন গাছ তো আমি নামে দিই নি হ্যাঁ এ আমরো ঘরে দেখি মেহেদি কা পেড় ও আমকো পাতা ও মেহেদি কা ঘরে জন্দা দেখি বহুত হি আচ্ছা পার্ক বানা হুয়া হ্যায় ইয়া পর জো হ্যায় মিথেন গ্যাস মিলা থা মতলব আবি ভি হ্যায় तो ये लोग जो है फोटो शूट के लिए रेडी हो रहा है। कैमरामैन किधर है पता नहीं। हम कोई नहीं आगे कोई थी चिंद भी नहीं करता। पूरा ग्रीन आपको देखने मिलेगा, एकदम नेचुरल जगह है, बहुत ही प्यारा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पानी का पॉन्ड थोड़ा सा छोटा सा बनाया गया है और ये बांस का ब्रिज बनाया गया है। सारा कुछ जो है बांस से ही बनाया गया है। यहाँ पे आप देखे होंगे, मैंने आपको हर जगह दिखाया। देखिए यहाँ पे बैठने का है, पानी भी जो है बांस से ही बनाया गया है। कमल का फूल है, माछ, यहाँ मछली भी है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण को नहीं पहुँचा नुकसान, यह है जीवन का अपमान। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर्यावरण का कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है, हर जगह वहीं लिखा गया है, देख सकते हैं। जो लोग धनबाद के हैं वो लोग आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है, खाली रहता है। तो ये जो है झरिया से 2-3 किलोमीटर आगे, ठीक है, तो अभी हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। इधर भी बैठने का बनाया गया है,
बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो इधर जो है दूसरा पार्ट है पार्क का। ये कौन कैसे लगे? ये जो है हम लोग ग्वाल पूजा में यूज करते हैं ना, पता लगा? देखिए इधर कितना अच्छा बना हुआ है। एक अंतर एक खड़ा दे। हाँ रुक, मोबाइल दे ना, ना इधर बैठो। देख रुक, दिखा दे एक टुक। देखिए इधर और भी इधर पौधा लगाएगा अभी। देखिए ये लोग फोटो खींचा रहा है अभी, कहाँ घुस के देखिए कहाँ घुस। बल्ला रहेगा मोटो। यहाँ पे जो है एक मंदिर भी है, काली माँ का मंदिर है, तो वो किसी और दिन आएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर। अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी जो घर जा रहे हैं वो दीदी है, दीदी वहाँ पे फोटो खिंचा रही है, और जीजा जी है वो लोग भी अभी आए हैं। इन लोग का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। को हाय को, फोटो शूट जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग मतलब निकलेंगे। तो आप लोग को इधर से आप लोगों को कोलियारी दिखाएंगे, अभी दूसरे रोड से जाएंगे और आपको वहाँ से दिखाएंगे, ठीक है? तो ब्लॉग पे बने रहिए। ये लोग अभी भी नहीं खत्म हुआ है अभी तक। तो अब जो हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, देख सकते हैं इस साइड जो रास्ता है ये पूरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दिखेगा आपको पूरा अच्छे से। तो देख सकते हैं वहाँ पे डंपिंग हो रहा है। तो आप लोग अगर धनबाद कभी आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा घूमने, देखिएगा कि कैसे मतलब वेस्ट जगह को इतना अच्छा बनाया गया है पेड़ पौधा लगा के, और यहाँ पे पूरा ओपन प्रोजेक्ट जो है आपको देखने मिलेगा, कैसे यहाँ पे काम होता है सारा चीज़। तो अब जो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।